हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दिवाली के दिन सुबह से मैंने क्या क्या किया है वही आज मैं आपसे शेयर करूंगी। पहले मैंने भगवान जी की चौकी सजाई, उसके बाद मैं अल्पना दे रही हूँ यहाँ पे लक्ष्मी जी का पैर बना के। दिवाली की तैयारी में मम्मी ने मुझे बहुत हेल्प किया है, दियों को सजाने में वो मेरी मदद की है। दोपहर का लंच लेने के बाद बाकी जो डेकोरेशन बचा था वो मैं फटाफट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, शेयर कीजिए मेरी ब्लॉग्स को एज मच एज़ पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। आज मैं आपसे पूरा होम टूर शेयर करूँगी। ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा मेरा घर। सारे फ्लावर्स मेरे गार्डन का ही हैं। बहुत जल्द मैं गार्डन टूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मुझे ज़्यादा अच्छा रंगोली देना नहीं आता है, मेरी बेटी बहुत अच्छा रंगोली बनाती है। रंगोली बनाने के बाद मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। मेरी साड़ी कैसी लग रही कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये लिलन है जो मैं कोलकाता से ली हूँ। तैयार होने के बाद मैं लक्ष्मी जी की पूजा कर लेती हूँ। ये मेरा पूजा रूम है। पूजा होने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड मिलके चारों तरफ दिया लगा देते हैं। ये मेरे घर का बाहर का लाइटिंग है, दिवाली के लिए हमने ऐसा सजाया है घर को। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी100। चारों तरफ मैं दियों से सजा देती हूँ अपने घर को। दीपावली है, दियों का त्यौहार, तो दियों से सजाना तो बनता है। तुलसी मंच से लेके चारों तरफ मैं दियों से सजा देती हूँ अपने घर को। लिविंग रूम का मेकओवर मैंने शेयर किया है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट। ये मेरा बालकनी है, बालकनी में मैंने बहुत सारी प्लांट्स से डेकोरेट किया है।
डाइनिंग रूम का मेकओवर भी मैंने शेयर किया अपने ब्लॉग में। दिवाली के पहले मैंने किस तरह से डाइनिंग रूम का मेकओवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट। किचन ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉग भी मैंने शेयर किया है अपने चैनल पे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट। ये मेरी मॉम का बेडरूम है। एंट्रेंस डोर को मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। पूजा रूम को मैंने पहले ही शेयर कर लिया है आपके साथ, और लेफ्ट साइड वाले रूम को हमने स्टोर रूम बना लिया है। और ये है मेरा बेडरूम। बेडरूम मेकओवर का ब्लॉग भी मैंने शेयर किया अपने चैनल पे, यू कैन चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मेरा होम टूर कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सोप पेंटिंग एंड वर्ल्डली पेंटिंग का ब्लॉग भी मैंने शेयर किया है अपने ब्लॉग में, यू कैन चेक इट आउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एट होम।